आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रभु, हाँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज मैं यहाँ युवा मामला और खेल के बारे में, मंत्रालय ने जो अनुदान अपनी मांगों पर बोलने के लिए दिया है उस पर मैं खड़ा हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ मैं महोदय, इसलिए कि ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री सदियों में मिलते हैं, ऐसे श्रद्धेय प्रधानमंत्री सदियों में मिलते हैं। सोचिए आते ही पूरे देश का युवा जाग गया, आते ही पूरे देश में एक ऊर्जा आ गई, सब दौड़ने लगे। 35 से अंदर के युवा हैं 65% इस देश में, इसके पहले सब लेटे हुए थे। सडनली सब जाग गए कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले कि खेलो इंडिया, दौड़ो इंडिया, जागो इंडिया। और वो जागो इंडिया में 1000 करोड़ का तो बजट बढ़ ही गया, अद्भुत बजट बढ़ा है 6 साल में खेल में, ये मोदी जी ही कर सकते हैं, अद्भुत हैं। इसलिए मैं उनको अद्भुत, अद्भुतम और अद्भुतास कहता हूँ। संस्कार भी देते हैं, पैसा भी बढ़ाते हैं खेल के लिए, एकदम जान फूंक दिए हैं इस देश में मोदी जी, कमाल है मोदी जी का। अब सोचिए कि भैया हम लोग, जानिए बात महोदय जी, कि हम लोग 2012 में खेले थे, उसमें 2 स्वर्ण मिला था, 6 पदक जीते थे, फैंटास्टिक नो प्रॉब्लम। जबकि 2016 में खेले, 2 पदक जीते थे, 1 रजत भी मिला। इस प्रकार 2018 में एशियाई खेले तो डायरेक्ट महोदय जी 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक जीत गए, अद्भुत। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में तो महोदय जी कमाल ही हो गया, ये मोदी जी की ऊर्जा का कमाल है। 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक जीते हैं। वही वहां से अभी बोल रहा था हमारा मित्र है कि कलाकार है, वो चला गया टीएमसी पार्टी का, वो बोल रहा था कि भाई क्या पाए, पैसा लगाए, कहाँ जा रहा है, पब्लिसिटी में जा रहा है। नहीं नहीं, ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ 1 रुपया लगाते हैं मोदी जी, 100 रुपया देश उनको रिटर्न में देता है। यहाँ देश जागा है और ऐसा जागा है कि साथ में सारी नारी शक्ति भी जाग गई, और वो नारी शक्ति ऐसे जागी है जो कभी नहीं जागी। आप देख ही रहे हैं पार्लियामेंट में नारी शक्ति कितनी बैठी है। अब ये हमारी महिला खेलों में पुरुषों से आगे बढ़ गई महोदय जी, बालक, अरे बाप रे बाप, ये तो कमाल है। मतलब 12 बजे तक पूरे विश्व में कहीं पार्लियामेंट नहीं जागता, तो यहाँ पर ये पार्लियामेंट जागता है। अब ये मोदी जी का कमाल है, ये ऊर्जा, और सभापति महोदय आपका कमाल है। आप देखिए हॉकी, आर्चरी, कुश्ती, निशानेबाजी, एथलीट, हर जगह नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। वो पीवी सिंधु हो, साइना नेहवाल जी हो, कुश्ती में साक्षी मलिक हो, फोगट बहने हो, महिला हॉकी टीम, बॉक्सिंग में एमसी मैरी कॉम, राज्यसभा सांसद भी हैं, आर्चरी में भारत की महिला, निशानेबाजी में अंजलि भागवत, अपूर्वी चंदेल, एथलीट्स में दुति चंद, हिमा दास, जिम्नास्टिक में दीपा कर्माकर, अरुणा रेड्डी, अनगिनत महिला, अनगिनत नारी शक्ति, वाह, ये मोदी जी का कमाल, अद्भुत, ये मोदी जी कमाल है, अद्भुत है मोदी जी। और ये वही बात है भाई, हमको याद आ गया, विवेकानंद जी ने कहा कि युवाओं तुम्हारा भविष्य का निर्माण स्वयं तुम्हारे अपने हाथ में, गुणी बनो, गुणी बनो, बने रहो, तुम्हारे अंदर इतने गुण हो कि तुम्हारा स्वरूप ही बन जाए। युवा अवस्था हमारे अंदर निहित गुणों का प्राप्त करने का आत्मसात करते। महोदय मैं कलाकार हूं तो मुझे हर चीज की ट्रेनिंग रही, स्पोर्ट्स की रही, बिकॉज वी बीन ट्रेन्ड कि जब आप हीरो बनते हैं तो आपको घुड़सवारी हो, एक्शन हो, कूदना हो, फादना हो, स्विमिंग करना हो, एवरीथिंग वी आर ट्रेन्ड, देन वी बिकम अ हीरो एंड देन वी बिकम सुपरस्टार। तो ये ट्रेनिंग पूरे शरीर में है हमारे, और देहात का लड़का हूं, मैंने अपने गंगा जी में लोगों को हाथ बांध के तैरते हुए भी देखा, हाथ बांध दो कि लड़का और पैर बांध दो और ऐसे स्विम स्विम करके दोज बॉयज दे गो, ऐसे भी लड़के हैं, बस
मैं यही चाहूंगा सभापति महोदय जी कि हमारे गांव देहात के लड़के, गोरखपुर नहीं, पूर्वांचल, बिहार, यूपी, झारखंड और हिंदुस्तान के सारे देहात के लड़के बड़े सक्षम हैं, उनका शरीर गठीला है, उनको खाली अच्छे से कोच दे दिया जाए और मोदी जी की स्पीचेस सुना दिया करें और सब लोग ऐसा दौड़ेंगे जैसा क्या बताएं। बस मैं यही बोलते हुए अपने शब्दों की शब्दों को विराम देता हूं और मैं यही कहूंगा कि मोदी जी आप अद्भुत हैं, अद्भुता मैं आप अद्भुतास हैं। जय हो।